तो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये शॉर्ट वन सीरीज का 6th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करके उसके आउटपुट में हमें उस टेक्स्ट फाइल की यूनिक लाइंस को ही प्रिंट करना है। अगर उस फाइल में कोई डुप्लीकेट लाइंस एग्जिस्ट है तो वो आउटपुट में हमें आउटपुट में प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको शॉर्ट कमांड के साथ में -u ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना शॉर्ट, उसके बाद -u ऑप्शन, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल का कंटेंट आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं, केट और फिर उस फाइल का नेम। तो ये उस फाइल का आउटपुट है। तो देखिए यहां पर आउटपुट में डुप्लीकेट लाइंस भी प्रिंट हो रही है, यानी दो बार ये लाइंस इस फाइल में अवेलेबल एग्जिस्ट है और दोनों बार ये लाइन प्रिंट हुई है। तो अब इस फाइल का जो आउटपुट है हमें सॉर्ट करके उसमें केवल इस फाइल की जो यूनिक लाइंस है उन्हीं को आउटपुट में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए सॉर्ट कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, सॉर्ट -u और फिर उसका नेम, उस फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देखिए इस बार कोई भी डुप्लीकेट लाइन यहां पे आउटपुट में प्रिंट नहीं हुई है। तो आप शॉर्ट कमांड के साथ में -u ऑप्शन यूज करके किसी टेक्स्ट फाइल के यूनिक लाइंस को गेट कर सकते हैं आउटपुट में। तो उम्मीद करता हूं आपका वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।